तो ये जो पोम है ये कूली के बारे में ही है जो किसने लिखी है ये लिखी गई है द्वारा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के ठीक है ऑथर्स और पोइट्स के नाम हमेशा याद रखना क्योंकि आ जाते हैं वन मार्क में है ना तो क्या नाम है द स्लीपिंग पोर्टर के पोइट का लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ठीक है अब अगर मैं इस पोम की बात करूँ है ना तो यहाँ पे जैसा कि आप सीन देख सकते हो ऐसा ही जो सीन है वो क्या है यहाँ पर कि भाई एक जो है कूली है जो काफी भारी भारी सामान जो है उठा रहा है और उठाकर जो है इन चट्टानों के पास में से ले जा रहा है तो इस कूली का जो डिस्क्रिप्शन है वो जानेंगे हम इस पोम में और क्या है आगे वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी फाइव किलो लोड ऑन हिज बैक स्पाइन डबल बेंट ठीक है अब कितना पच्चीस किलो वजन जो है उस कूली ने उठा रखा है और उसका जो है स्पाइन हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना इसको बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी स्पाइन क्या हुई हमारी रीढ़ की हड्डी तो डबल बैंड क्योंकि इतना ऑब्वियसली 25 किलो वजन उसने उठा रखा है और अभी आप आगे जब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना उसके अपेयरेंस के बारे में तो आप देखोगे कि कूली जो है बेचारा बहुत कमजोर है जिसकी वजह से कमर जो है वो डबल झुकी हुई है चढ़ना -like है, है, है कहा जो बर्फीले पहाड़ है उस पर और उसकी हड्डियाँ कैसी है बिल्कुल नेकेड नेकेड का मतलब होता है नंगा लेकिन यहाँ पे नेकेड का मतलब क्या है उसकी हड्डियाँ जो है दिख रही है साफ मतलब उसके ऊपर जो है कोई गोश्त नहीं है बस स्किन है है ना तो वो चीज होती है नेकेड Yet facing up uphill task, he is challenging the mountain. तो mountain चैलेंज कर रहा है उस पर चढ़ाई कर रहा है he is wearing a black cap, dirty sweat stained. His body is in a board of fleas and lice. है ना अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई उसने कैसे अब उसके कपड़ों की बात हो रही है तो उसने क्या एक काली कलर की टोपी पहन रखी है सर पे और गंदे से स्टेंट मतलब दाग धब्बे लगे हुए हैं स्वेट स्टेंट मतलब पसीने के धब्बे है ना पसीने के धब्बे हैं उसके कपड़ों पर अब यहाँ पे क्या बोला गया अब अबाउट मतलब घर किस चीज़ का घर है उसकी पूरी बॉडी मतलब उस पर जो है मक्खियाँ हैं मक्खियाँ हो रही है और लाइज जुए है? है ना जुए हैं हिज माइंड वेरी डल ऑल दो इट एमिट्स और सल्फर लाइक्स आर स्मेल है ना और उसकी जो बॉडी है उसमें से बदबू कैसी आ रही है स्मेल कैसी आ रही है सल्फर जैसी But what a a stout human figure! Like a bird, his heart is बट वट इजाउटन फिगर लाइक अ बर्ड हिस्स हार्ट इज ट्विटर एक चिड़िया की तरह जो है उसका हार्ट जो है वो ट्विटरिंग कर रहा है चहचा रहा है मतलब धक धक कर रहा है जोर से और वो हाफ रहा है और क्या कर रहा है स्वेट कर रहा है पसीना आ रहा है उससे और सांस भी उसकी जो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाना सांस ना आना ऐसा होता है ना हम कभी बहुत ज्यादा एकदम भाग लेते तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है वो वाली चीज आ हट ऑन द्लेफ हिस्सन शिवरिंग विद कोल्ड वॉर्ज ऑफ हंगर द मादर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स है ना अब जो है जो ऊपर जो चोटी है वहाँ पर एक हट है उसमें जो कूली है उसका बेटा जो है ठंड के मारे कप कपा रहा है है ना वॉज ऑफ हंगर मतलब बहुत ज्यादा जो है दुख पीड़ा है उन्हें भूख की और उसकी जो मदर है वो क्या कर रही है नेटल्स और वाइन्स ढूंढ रही है रिच किंगडम ऑफ स्लीप है ना अब क्या हो रहा है कि भाई इतना थकावा इतनी चढ़ाई कर रहा मेहनत कर रहा है। उसके बाद जो है आराम से रात को तारों की छत के नीचे वो सुकून से सो रहा है ठीक है

ये जो पोम है ये किसके बारे में है कैसे कूली के बारे में है जो इतना मतलब पहाड़ों हैं जो पहाड़ हैं पूरे बर्फ से ढके हुए हैं उन पहाड़ों पर से सामान उठाकर आता और ले जाता है द पिक्चराइजेशन ऑफ द पोटा इन दिस पोम इज वेड लाइवली एंड एंशांटिंग देयर आर फोर स्टैंड इन दोम पोएट हैज कम आउट विद हिज थॉट ठीक है आप जो पिक्चराइजेशन है किसकी जो पॉटर है उसका जो पिक्चराइजेशन है वो काफ़ी विविड बताया है है ना काफ़ी इंचांटिंग बताया है और चार स्टेंजस थे इस पोम में जिसमें जो पॉटर है उसके थॉट्स के बारे में बात हुई है

His his are naked, which can be seen standing on the frail frame of his body. के के काफी झुकी हुई है उसकी हड्डियाँ जो है साफ दिख रही है उसकी जो बॉडी है, है इतनी कमजोर सी है ना फ्रेम जो उसका स्केलेटन है उसमें उसकी हड्डियाँ साफ नजर आ रही है इट लुक्स जस्ट लाइक framework स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन The porter is to carry load in winter to the peak and thus he is opposing a challenge. He is posing a challenge to the nature. ठीक है अब उसे वो इतना सारा वजन उठाकर जो है चोटी पर चढ़ना है पहाड़ की तो वो क्या कर रहा है एक तरीके से नेचर को और पहाड़ को चैलेंज कर रहा है The porter is wearing a black cap which is dirty and has a stained mark of sweats on it. His body emits a sulfur like sour smell. His mind is very dull but he appears to be a brave man. ठीक है आप जो पोर्टर है उसने काली कलर की टोपी पहनी है जिस पर खूब सारे पसीने के दाग धब्बे भी हैं और कपड़े भी उसके ऐसे ही हैं और उसकी बॉडी में से एक सल्फर जैसी गंदी सी बदबू आ रही है और फिर भी मतलब उसका जो माइंड है वो बहुत डल है लेकिन जो वो इंसान है वो खुद फिर भी बहुत बहादुर है जो इतना वजन लेकर ऊपर जा रहा है वेन क्लाइंबिंग ही गोज आउट ऑफ ब्रीथ ड्यू टू हैवी स्वेटिंग एंड देन हंगरी है ना अब क्योंकि वह इतना सामान है उसके पास तो वो काफी हाफ भी रहा है उसके उसको तो सास भी नहीं आ रही है और इन द हर्ट ऑन द स्टीप रॉक ऑफ द माउंटेन इज शवरिंग विद कोल्ड एंड द मदर इज आउट इन सर्च ऑफ क्रीपर और प्लांट दट बेयर टू मेक फायर फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग वार्मिंग है वार्निंग नहीं है या एम आएगा तो अब वो जो है उसे भी जल्दी है जाने के अपने बच्चे के पास जो ऊपर जो छोटे सी एक झोपड़ी है वहां पर कप कपा रहा है ठंड की वजह से और जो उसकी मदर है वो बेल ढूंढ रही है शायद उसे अंगूर मिल जाए खाने को जिसके साथ कुछ डंडिया भी होंगी जिससे वो कुकिंग भी कर सकेगी आग जलाकर और गर्मी भी कर सकेगी The 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 poet says that the potter is is proved conqueror of nature, who is beneath snow-clad peaks, above him, and the open sky covered under the lid of height with stars. ठीक है ठीक है आप क्या बोल रहे हैं कि भाई जो पोएट वो बोल रहे हैं कि भाई जो असल जो बंदा है जिसने सब चीजें कॉनकर करी हैं असल जिसकी जीत हुई है वो बंदा कौन है जो नीचे है जो पोर्टर है कूली है वो है जो इतनी बर्फ में इतनी ठंड में भी सामान उठाकर ऊपर ला रहा है स्लमर क्या होती है सपने है ना और नींद ठीक है टायर्ड तो स्लमर क्या होती है नींद गहरी नींद में चल जाता है क्योंकि वो काफी थका हुआ होता है इट सीम्स दैट ही ट्रेनिंग किंग हैसी वे ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप विच ही इंजॉयज लाइक अ मास्टर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई वो है ना कोई किंग हो कोई बादशाह हो स्लीप का नींद का और वो उसे काफी इंजॉय कर रहा है एक मास्टर की तरह ठीक है तो ये समरी थी तो मतलब यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने कूली की बात की है जो इतना सामान लाद कर जो है एक इतने ठंडे इलाके में पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा है सामान पहुँचा रहा है और खुद जो है बेचारा इतना कमजोर है फिर भी अपन खुद से डबल वजन उठा रहा है है ना और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की बात हो रही है कि भाई जो बच्चा है वो ठंड से कप कप आ रहा है और जो वाइफ है वो खाने पीने के लिए और कुकिंग के लिए और फायर के लिए चीजें जमा कर रही है और वो जो इंसान है वो फाइनली जो है सब चीज़ों से जीत कर सारी प्रॉब्लम से जीत कर अपने घर पहुँचता है और फिर एक थक हार के अपनी एक मेहनत करके एक सेटिसफेक्शन की नींद लेता है और अच्छे से सोता है ठीक है तो ये एक मतलब छोटी सी एक मतलब लाइफ समझ लो एक पॉटर के कूली की जो यहाँ पर एक पोम के रूप में बताई गई है ठीक है तो यहाँ पे ये यह समरी हो गई इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो स्पाइन स्पाइन क्या होती है रीढ़ की हड्डी नेकेड नेकेड देखो वैसे तो नंगा होता है लेकिन है ना नेकेड का जब भी मीनिंग आएगा तो तुम यही लिखोगे ये नहीं लिखोगे कि बोन्स की बात हो रही है है ना नेकेड का मतलब नंगा होता है ठीक है फ्रेल कमजोर फ्रेम ढांचा स्वेट पसीना अफिल चढ़ाई स्टेन दाग धब्बे फ्लीज प्लीज कोई भी कीड़ा पिसू है ना लाइव जू ट्विटरिंग पक्षियों का चहचहाना है ना और पेंटिंग पे पेंटिंग लिख दिया है पैंटिंग हाफना, है ना नेटल एक पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं वाइन्स जैसे लता हो गई किसी भी चीज की यहाँ पे अंगूर की लता की बात हुई कॉन्करर विजेता क्लैड कपड़ा पहनना है ना तो यहाँ पे जो क्लैड क्लैड है ये ठीक है क्लैब नहीं है जो मतलब एक तरीके से कपड़ा पहनना लेकिन स्नो क्लैड का मतलब क्या हुआ जो पहाड़ बर्फ पहना हुआ है है ना उसकी बात हो रही है स्टार्टेड जड़ित लिड ढक्कन और क्लिफ चट्टान ठीक है ढक्कन किसी चीज का ढकना और क्लिफ क्लिफ क्या हो गई चट्टान

चैलेंजिंग दी माउंटेन माउंटेन को कौन चैलेंज कर, कर रहा था कूली चैलेंज कर रहा था गंदी सी पूरी पसीने में भरी काली कलर की टोपी पहनी हुई थी उसने व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डी पॉटर एम इट पॉटर से कैसी स्मेल आ रही थी the porter smells a सल्फर like sour smell. मतलब उसमें से एक सल्फर जैसी खट्टी सी स्मेल आ रही थी समझ आ गया देखो आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है आगे ठीक है नेक्स्ट देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ क्लिफ के ऊपर क्या था हट थी झोपड़ी थी देयर इज अट ऑन द्लिफ

आसमान है वो पूरा तारों से कवर है उसको यहाँ पे ऐसे ढक्कन की तरह बोला है कि उसने पूरा आसमान जो मतलब ढक रखा है ना उसने ऊपर वो चीज है ना उसको पोइट ने जो है एक लेड ऑफ नाइट की तरह इमेजिन करा है हु इज द रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप कौन है पोर्टर ही है द पोर्टर इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप बिकॉज ही वॉज इन डीप स्लीप ड्यू टू टायर्डनेस ऑफ हिज डेज वर्क है ना तो कौन है कौन लग रहा था किंग की तरह भाई पॉटर था कूली था क्योंकि वो इतना थक गया था कि वो इतनी गहरी नींद में अच्छे से मजे लेकर सो रहा था क्लियर हो गया तो इसी के साथ आपकी जो छोटी सी पोम है इसके छोटे से क्वेश्चन एंड आंसर्स और समरी वगैरह जो है यहाँ पर फिनिश होती है ठीक है उसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो कमेंट में नहीं पूछ सकते तो आप मुझसे इंस्टा पे डायरेक्टली पूछ सकते हो है ना तो इसीलिए आज की जो क्लास है वो हम यहाँ ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे